हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पैरट को ठंडी लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पैरट को ठंडी लग जाए तो हमें अंग्रेजी दवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवा करने से पैरट ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर हमारे पैरट को ठंड लग गई है तो हमें होम्योपैथिक की दवा करनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक की दवा आयुर्वेदिक दवा होती है और होम्योपैथिक की दवा हर जगह अवेलेबल होती है, मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पैरेट के लिए होम्योपैथिक की दवा लेनी है और अगर आपके पैरेट को ठंड लग गई है, तो आप अपने पैरेट का फ़ोटो क्लिक करके डॉक्टर को दिखाकर होम्योपैथिक वाले उनसे दवा ले सकते हैं। और अगर आपका पैरेट बेबी पैरेट है तो आप उसको जब हैंड फीडिंग कराएं तो 3 बार उसको जिसमें मिलाकर पिला सकते हैं। और अगर आपका बड़ा पैरेट है तो आप उसको जब जब पानी पीने के लिए दें तो उसमें आप उसको मिलाकर दे सकते हैं, जिससे वह ठंडी से बच सकता है, वो ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा जल्दी फायदा करता है। और फ्रेंड्स, अगर मौसम अच्छा है, धूप निकला है और हवा भी चल रही है, तो आपको अपने पैरेट को धूप में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनसे उनको जल्द ठंड लग सकती है। आप अपने पैरेट को धूप में तब ले जाएं जब मौसम गर्म हो, हवा ना चल रहा हो, क्योंकि इस समय का मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।